मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी से अब चंबल के बाद बुंदेलखंड में भी कांग्रेस पार्टी ग्रसित नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी के बड़ा मलेरा के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे हैं कछु और नेता। लेकिन इनमें सबसे पहले नाम आओ दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल लोधी और सागर जिला की बंडा सीट के कांग्रेस के विधायक तरवर सिंह लोधी को। दरअसल राहुल लोधी प्रद्युम्न लोधी के चचेरे भाई हैं और तरवर लोधी भी इनके ही परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े बताए जाते। इन दो नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले आने की कोशिश में है और बाकायदा इनकी तैयारी की भी खबरें हैं। और यही बात की भनक जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लगी तो उनने दो ही विधायकों को भोपाल बुला लो। भोपाल में दमोह विधायक राहुल लोधी और बंडा विधायक तरवर लोधी ने कमलनाथ से मुलाकात करी। इसके बाद एक और मीटिंग भी भई। जी मीटिंग में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के आला नेता मौजूद थे, जी में इन दो ही विधायकों से बात करी गई। हालांकि इन दो ही विधायकों को कहवो हतो कि वे कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस पार्टी में बने रहें और उनके बारे में कोनो प्रकार की शंका रखने की जरूरत नहीं है। पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस में है। सज्जन भैया की विशेष कृपा थी हमारे ऊपर, उसके बाद माननीय कमलनाथ जी से मिलवाया और राजनीति का सफ़र शुरू हुआ। हम लोगों की पूरी निष्ठा है और पूरी निष्ठा के साथ आगे कांग्रेस की राजनीति हम लोग करेंगे। और आज इसलिए नहीं आए कि हम विश्वास बना, इसलिए नहीं आए कि हम कहीं भाग नहीं रहे। हम यहाँ केवल इसलिए आए कि जो चले गए हैं उसकी चिंता नहीं करो, अभी हमारे बाजुओं में इतनी दम है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जहाँ पे भी लोधी समाज पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे और पुनः एक बार कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह देना चाहता हूँ, राहुल भाई भी हैं हमारे माननीय सज्जन भैया भी हैं, कि हम लोगों का जन्म कांग्रेस में हुआ है और मौत भी कांग्रेस में हुई है। कौन लोग हैं जो भाजपा के इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं? वो जो भी है वो अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन हमारा जो हमारी मानसिकता है, जो पार्टी के प्रति हमारी निष्ठा है। लेकिन एक कहावत है कि दूध को जलो छाछ फूक फूक के पियत, और कांग्रेस पार्टी तो मध्य प्रदेश में कछु ज्यादा ही दूध सी जली नजर आ रही, और अब यही वजह से उन्हें अपने विधायकों की एक बार फिर से घेराबंदी शुरू कर दी है। राहुल लोधी और तरवर लोधी के अलावा छतरपुर जिला के दो और कांग्रेसी विधायकों से लगातार बात करी जा रही है। बताओ जा रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग संपर्कों के जरिए इन दो विधायकों को भी अपने संपर्क में ले आने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव 24 की बजाय 25 सीटों पर हुई हैं और यही वजह से अब नए तरीके से दबाव बनाने की रणनीति शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में ज़्यादा सेंध ना लगा पावे इकलाने कांग्रेस की कसावट भी जारी है। ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।